वेलकम टू टैली मैजिक। फर्स्टली हम सीन के बारे में जानना चाहूँगा, यू नो सोरा को निकाल दिए, क्या वजह था? आज का जो सीन है जा सीक्वेंस में, ये होता है कि कोयल का कॉल आता है वेदांत को कि कुछ अर्जेंटली काम है घर पे, जल्दी है। तो वेदांत दौड़ता हुआ आता है और देखता है कि कोयल ना बहुत रेस्टलेस हो रही है और परेशान है। तो वो पूछता है क्या हुआ, आपने इतनी जल्दी क्यों बुलाया? तो वो बोलती है कि यू नो वेदांत, मैंने तुम्हें बचपन से मैनिपुलेट किया है और प्रभात जी के साथ मैंने गलत किया है और मैंने सबको धोखा दिया है। एंड आफ्टर दैट, ये सब चीज़ होने के बाद ये पता लगता है कि ये सब कुछ स्वरा ने उनको कहने के लिए कहा था और स्वरा ने ब्लैकमेल किया था कि अगर आप नहीं बताएंगे तो उनने कोई हार्ट अटैक की टैबलेट दी है उसके लिए। मगर वो घबरा के बोल रही होती है और स्वरा बोलती है कि नहीं, बस मैं इनका सच बाहर लाने के लिए ये कर रही थी। एंड वही चाल स्वरा की कोयल के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। एंड वेदांत उस चीज़ को लेकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपनी माँ के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकता है। एंड सेम टाइम पे स्वरा जो है वो वेदांत को बोल रही है कि ये तो औरत माँ कहलाने लायक नहीं है, आप इन्हें क्यों ऐसा बोल रहे हो? एंड वेदांत बिल्कुल अपना टेम्पर लूज कर जाता है बिकॉज हर चीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं कोयल को ब्लेम कर रही होती है और वेदांत इस चीज़ से इतना खफा था कि वो रिश्ता ख़त्म कर देता है। उसको दुख है इस चीज़ का मगर वो अपनी माँ के सामने वो कोई भी चीज़ नहीं सुन सकता है। तो वेदांत बोलता है कि आज से हम पति पत्नी नहीं है, तुम मेरी सुहागन नहीं है। और वो मंगलसूत्र तोड़ता है और स्वरा को घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि ना तुम दोबारा आना, ना ही अपनी शक्ल दिखाना। वहीं पे कहीं ना एक माँ का लोग कहते हैं ना चादर वेदांत की आंखों पे पड़ा हुआ है और वहीं पे स्वरा और प्रभा मिलके ये चादर हटाने के, बट कहीं ना कहीं वेदांत इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या लगता है कब तक एक्सेप्ट करेगा या कब तक रियलाइज होगा? बिकॉज बचपन से कोयल ने वेदांत का ब्रेन इस तरीके से ट्रेन किया हुआ है क्योंकि उसे कुछ और नज़र ही नहीं आता है कोयल के अलावा। उसे पता है कि मेरी माँ ने, इन्हीं ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है तो मैं इनके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनूंगा। सो स्वरा कोशिश कर रही है वेदांत के सामने सच लाने के लिए पर वो फिर भी बिलीव नहीं कर रहा है। सो लेट्स सी, आई थिंक आने वाले टाइम में आप लोगों को जल्दी ही ऐसा कुछ देखने को मिले जहाँ पे कोयल का सच बाहर आ जाएगा।